कर्नाटक से खबर है जहां टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर हो रहा है। टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीती रात बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़े गए। ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन पोस्टर फाड़ने वालों को इस बात पर एतराज था कि आजादी के जश्न के मौके पर देश भक्तों के बजाय टीपू सुल्तान के पोस्टर क्यों है। कांग्रेस का आरोप है कि ये काम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीपू सुल्तान वर्सेस वीर सावरकर। एक बार फिर से ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, टीपू सुल्तान के पोस्टर एक तरफ फाड़े गए, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंच गए थे। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़े गए, कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन पोस्टर फाड़ने वालों को इस बात से एतराज था आजादी के जश्न के मौके पर देशभक्तों के यहां पर पोस्टर क्यों नहीं है, टीपू सुल्तान का यहां पोस्टर क्यों है। और टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़े जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और पोस्टर फाड़ने का जो आरोप है वो वीएचपी पर है। वहीं बेंगलुरु से आई ये तस्वीर सावरकर की तस्वीर हटाने के विरोध में दिखती है। दरअसल शिवमोगा में शिवपा नायक मॉल प्रशासन ने मॉल के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव से लेकर सावरकर की तस्वीर लगा दी, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ हिंदू संगठन इसके पक्ष में आ गए और उन्होंने पोस्टर मॉल में लगाए रखने की मांग की, लेकिन तस्वीर हटाने की मांग कर रहे लोगों ने मॉल में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ शिवमोगा की तस्वीर आपके सामने है, मॉल में सावरकर की फोटो ढक दी गई, वीर सावरकर की फोटो लगी हुई थी तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में। वहीं दूसरी तस्वीर आप कर्नाटक के बेंगलुरु की देख रहे हैं, जहां पर टीपू सुल्तान की तस्वीर को फाड़ा गया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है ये पोस्टर फाड़ने का, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस पोस्टर फाड़ने के खिलाफ हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। इमरान मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, हमें और जानकारी देंगे। इमरान, अगर आप बता सके कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, वो विरोध कर रहे हैं इस पोस्टर फाड़े जाने का। जी, घटना कल रात को करीब 1 बजे हुई है, जहां पर वीएचपी के नेता और उनके सहयोगी पहुंचे और टीपू सुल्तान का पोस्टर फाड़ा गया। आजादी का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रोग्राम है मंडे, इसको लेकर वहां पर कई वीर सेनानियों के पोस्टर्स लगे हुए थे। टीपू सुल्तान का भी पोस्टर था, अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू, सबके पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन वीएचपी के जो लीडर हैं उन्होंने वहां पहुंचा और टीपू सुल्तान का पोस्टर फाड़ा और कहा कि जो शिवमोगा में जहां पर वीर सावरकर का विरोध हुआ उसके मुकाबले यहां पर टीपू सुल्तान का पोस्टर फाड़ा गया, और ये पूरी क्रिया जो है वीडियो में रिकॉर्ड की गई। और जब भी पता चला तो डीके शिवकुमार पार्टी प्रेसिडेंट, एमपी डीके सुरेश और सलीम अहमद वर्किंग प्रेसिडेंट पहुंचे वहां पर स्पॉट पे और कहा कि पुलिस को जो जिसने भी इस पर इन्वॉल्व है उन पर कड़ी क्रम हो और इन पर एक्शन लिया जाए। उनका कहना है कि कोई पार्टी को डिसाइड नहीं कर सकती हिस्ट्री को लेकर, और टीपू सुल्तान के बारे में है कि वो फ्रीडम फाइटर थे और किसी पार्टी को डिसाइड नहीं किया था, सीधा इसके क्रम के पीछे बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार और कहा कि बीजेपी को इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन्हीं के कार्यकर्ताओं को जिसने पोस्टर फाड़ा है। अच्छा, हम शिवमोगा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं इमरान, लगातार वीर सावरकर की भी तस्वीर लगी हुई थी तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की।